नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सुरेश गहलोत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के दूसरे पार्ट को लेकर। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उनको भी जरूर देखना। तो बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी सबसे पहले मित्रों, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? ठीक है, तो जन्म 1880 के अंदर, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 9 सितंबर 1880 को हुआ था, लेकिन आपको सन याद रखना है 1880 के अंदर, जयपुर के एक जैन परिवार के अंदर। ठीक है, जयपुर में एक जैन परिवार, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन्होंने महाराजा कॉलेज से बीए की थी। महाराजा कॉलेज जयपुर के अंदर है, महाराजा कॉलेज, यहाँ से इन्होंने बीए की और बीए करते ही इनको जयपुर राज्य से नौकरी का प्रस्ताव मिला। कहाँ से? जयपुर राज्य से। ठीक है, नौकरी का प्रस्ताव मिला तो इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकलेगा। ठीक है, तो इनका ये कथन था कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, ये उद्धरण आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ हो तो अभी आप सीधा पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है मित्रों, तो वो भी आपको याद रखना। तो सीधा प्रश्न पूछे तो आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट बढ़ते आगे मित्रों, इनके उपनामों की बात कर लेते हैं। उपनाम, इन्होंने जयपुर के अंदर जन जागृति का कार्य किया था, इस कारण मित्रों इनको जयपुर में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। जयपुर में जन जागृति का जनक, ठीक है। इनको राजस्थान का ददीची, राजस्थान का ददीची भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको राजस्थान का लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, ये तीनों याद रखने आपको इनके उपनाम है। और ये कहा था राम नारायण चौधरी ने, किसने कहा था? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है दोस्तों, और इनके नाटक पुस्तकें वो आगे बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, 1907 के अंदर दोस्तों इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। वर्धमान पाठशाला, ठीक है, ये एक विद्यालय था और यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण, ठीक है, प्रताप सिंह बारड़ वगैरह, यही इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, प्रताप सिंह बाट, राष्ट्र बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, रमीचंद्र, ये सब इनके संपर्क में थे। ठीक है, यानी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए अर्जुन लाल सेठी अपने जीवन काल के अंदर। ठीक है मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए मित्रों, 1913 के अंदर निमेज या फिर आपको आरा हत्याकांड, ठीक है, निमेज आरा हत्याकांड मित्रों, ये कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर, आरा बिहार, निमेज बिहार। ठीक है, उसमें ये दोषी पाए गए थे और उनको बेलूर जेल, बेलूर कहाँ पड़ता है मित्रों? कर्नाटक के अंदर, बेलूर कर्नाटक, ठीक है, वहाँ इनको जेल में बंद कर दिया गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन इस कांड के बारे में, निमेज कांड, आरा हत्याकांड के बारे में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस कांड के अंदर मोती चंद नामक क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। मोती चंद, ठीक
ठीक है। और एक क्रांतिकारी और थे विष्णुदत्त, इनको मित्रों काला पानी की सजा दी गई थी। कौन सा पानी? काला पानी की, ये भी आपको याद रखना है। और जोरावर सिंह बारट, जो केसरी सिंह बारट के भाई थे, जोरावर सिंह बारट, ये भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है दोस्तों। और एक थे जयचंद, दोनों फरार हो गए थे। और दो व्यक्ति सरकारी गांव बने थे जिनका नाम था माणकचंद और शिव नारायण। ठीक है, ये जो सरकारी गवाह बन गए थे, ये भी सब क्रांतिकारी थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी जो मैंने बताई है मित्रों। 1912 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग्स पे बम फेंका गया था, उसमें भी ये शामिल थे, हार्डिंग्स कांड। ठीक है, बम कांड। दोस्तों 1915 के अंदर रास बिहारी बोस सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, सशस्त्र क्रांति, और उसके अंदर धन इकट्ठा करने का जो कार्य है वो सौंपा था किसको? अर्जुन लाल सेठी को। ठीक है, कार्य सौंपा था। तो ये सभी बातें हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी मित्रों। इनको निमाड़ हत्याकांड के बाद जेल हुई थी, उसके बाद ही 1920 के अंदर बाहर आए थे, इन्हें सजा खत्म करने के बाद। ठीक है, 7 वर्ष की सजा खत्म करने के बाद ये बाहर आए थे। और अब बाहर आते ही इनका तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर स्वागत किया था, महाराष्ट्र में स्वागत। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये आ गए अजमेर, अजमेर आ गए, और अजमेर को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। ठीक है, कहाँ पे आ गए? 1920 के बाद ये अजमेर आ गए और अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाया दोस्तों। और अपना नाम रख दिया करीम खान। क्या नाम रखा? करीम खान। करीम खान के नाम से अजमेर में रहे। ठीक है मित्रों, और यहीं से 1920-21 के अंदर, 1921 के अंदर मित्रों इन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया। ये दोस्तों जो बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। ठीक है दोस्तों, कांकोरी कांड हुआ था, कांकोरी कांड कब हुआ था? 9 फरवरी 1925। ठीक है, और इसी कांड के जो क्रांतिकारी थे अशफाक उल्ला खां के मुख्य क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खां और शौकत अली, इन दोनों को अपने पास शरण दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी जो मैंने बताई है अर्जुन लाल सेठी के बारे में, और अपना पूरा जीवन मित्रों 1920 के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, और ये यहाँ अजमेर के अंदर मित्रों ये अरबी फारसी की शिक्षा देते थे, अजमेर के अंदर अरबी फारसी की शिक्षा। ठीक नेक्स्ट पढ़ते आगे और देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों अजमेर के अंदर ही 23 दिसंबर 1941 को इनका निधन हो गया। ठीक है, 23 दिसंबर 1941 को इनका निधन हो गया अजमेर के अंदर दोस्तों। और इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया गया, क्योंकि इनका नाम करीम खान रखा गया था। ठीक है, मुस्लिम समझकर दफना दिया गया। तो ये थे मित्रों भारत के महान क्रांतिकारी, राजस्थान के महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं और नाटक है, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना। 3 नाटक है दोस्तों, 3 नाटक सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके रचित
रचयिता कौन है तो आपको बताना है, अर्जुन लाल सेठी। एक है मित्रों महेंद्र पराजय, महेंद्र पराजय, मदन पराजय, मदन पराजय, और एक आपको याद रखना है पार्श्व यज्ञ, पार्श्व यज्ञ। ठीक है, तीन नाटक आपको याद रखने अर्जुन लाल सेठी के। नेक्स्ट बढ़ते आगे, इनकी दो पुस्तकें आपको याद रखनी है, एक है स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति, और एक आपको याद रखनी है दोस्तों शूद्र मुक्ति। दो पुस्तकें हैं अर्जुन लाल सेठी की, ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो बातें थी मित्रों अर्जुन लाल सेठी के बारे में, इंपॉर्टेंट जो बातें थी एग्जाम में पूछी जा सकती है, सब मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कचरा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बुकों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है लेकिन एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है और पूछने की संभावना भी बहुत कम है उनकी। ठीक है, तो ये जो बातें बताई इंपॉर्टेंट है वो सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांडे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म की। जन्म 1904 के अंदर, 1904 के अंदर डूंगरपुर की जगह है, डूंगरपुर सिमलवाड़ा, यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। इनको वागड़ का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है, वागड़ का गांधी। इनकी पत्नी का नाम था मणिबेन पांड्या, मणिबेन पांड्या। ठीक है, और देखते हैं मित्रों इन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, यहाँ मित्रों आदिवासियों के अंदर जन जागृति जगाने का कार्य किया। ठीक है, आदिवासियों में जन जागृति का कार्य, और इनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का भी कार्य किया, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मित्र कौन थे, भोगीलाल पांड्या, जिन्होंने आदिवासियों में जन जागृति का कार्य किया और इनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया, साथ ही साथ इनके सामाजिक उत्थान के लिए भी इन्होंने प्रयास किए। ठीक है, इनके सामाजिक उत्थान के लिए भी प्रयास किए, किसने, भोगीलाल पांड्या ने, के लिए प्रयास किए। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 1919 के अंदर, 1919 के अंदर बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, बागड़ सेवा मंदिर, और इसके थ्रू आदिवासियों की शिक्षा का कार्य किया, आदिवासियों की शिक्षा, शिक्षा व चिकित्सा का कार्य, दोनों कार्य बागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से इन्होंने किया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए, 1938 के अंदर दोस्तों इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी, वनवासी संघ, ये भी आपको याद रखना है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 के अंदर बागड़ सेवा मंदिर और 1938 के अंदर मित्रों इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, आप सभी को पता होगा डूंगरपुर प्रजामंडल।
है, नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए। दोस्तों 1952 से लगाकर 1957 तक राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे, ठीक है। और कहाँ से ये विधायक बने थे? तो ये बने थे दोस्तों सागवाड़ा से, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, सागवाड़ा, ठीक है। तो ये भी आप मित्रों नोट कर लेना। दोस्तों 1969 के अंदर, 1969 के अंदर इनको राज्य खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष। दोस्त बहुत सारी बुकों से ढूंढ के मैंने ये मैटर आपके लिए तैयार किया है, तो एक बुक में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी भी बुक में आप पढ़ लेना, सभी चीज़ें एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों, निश्चित तौर पे आपको यहाँ फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 1976, 1976 के अंदर मित्रों इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों, और लास्ट बात कर लेते हैं 1981 के अंदर एक महान व्यक्तित्व का निधन हो गया, ठीक है, भोगीलाल पांड्या जी का 1981 के अंदर निधन हो गया। तो ये जो बातें थी भोगीलाल पांड्या जी के बारे में थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई हैं, आप नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ना, निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कचरा है वो आपको नहीं पढ़ना है, केवल इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और एक महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, तो वो है नेक्स्ट माणिक्य लाल जी वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा के बारे में दोस्तों बात करते हैं, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। दोस्तों 1897 के अंदर माणिक्य लाल वर्मा का जन्म हुआ भीलवाड़े के, भीलवाड़ा के बिजोले ठिकाने के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के बिजोले के अंदर एक कायस्थ परिवार के अंदर, कायस्थ परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये मित्रों यहाँ पर नौकरी भी करते थे, लेकिन विजय सिंह पत्ती के ये संपर्क में आए, इनका वास्तविक नाम क्या था, भोप सिंह, इनके संपर्क में आए और नौकरी छोड़ दी मित्रों, और बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। और कुछ समय तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आपको याद भी रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, किस चरण के, दूसरे चरण के अंदर जुड़े थे 1914 से लगाकर 1923 तक, ये दूसरा चरण था, ठीक है। और तीसरे चरण के अंदर मित्रों विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे, ये आपको बता दूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए दोस्तों 1934 के अंदर अजमेर के नीचे निकट एक जगह है नारेली, अजमेर के जगह पास में एक जगह है नारेली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की थी, सेवाश्रम की स्थापना की, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखिए 1934 के अंदर ही, 1934 के अंदर ही दोस्तों डूंगरपुर के अंदर एक आश्रम की स्थापना की थी, उस आश्रम का नाम है खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम। और इसके माध्यम से ये आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करते थे, आदिवासियों को शिक्षा, नेक्स्ट देखिए। दोस्तों 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। फिर यहाँ मेवाड़ से ये चले गए अजमेर, और अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बना
बनाया इन्होंने, अजमेर चले गए ठीक है, और अजमेर में रहकर ही इन्होंने पुस्तक लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, और इस पुस्तक के अंदर भी तो इन्होंने तत्कालीन रियासतों के अत्याचारों का वर्णन किया ठीक है। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से लिखी गई ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना मेवाड़ का वर्तमान शासन अजमेर से लिखी गई थी दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखते हैं इनके बारे में कोई जानकारी हो। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने एक गीत लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? तो वो लिखा था माणिकेलाल वर्मा ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात भी आपको याद रखना है, आगे भी पूछने की संभावना है ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के 30 चरण के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण कब कब हुआ था देखिए, वो भी 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर ये प्रधानमंत्री बने थे ठीक है, तीसरे चरण के ये प्रधानमंत्री बने थे माणिकीलाल जी वर्मा, ये आपको याद रखनी है ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, इनका निधन हो गया था 1969 को। तो ये जो बातें थी माणिकीलाल वर्मा के बारे में थी, तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बताई मित्रों ठीक है, धन्यवाद।